बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर महमूद और आज आपसे शेयर करूंगा मैं चिकन कढ़ाई रेसिपी। वैसे तो चिकन कढ़ाई की 10 किलो की रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, लेकिन वो हाशिम पकवान सेंटर की थी। उनमें और हमारे मेथड में भी थोड़ा डिफरेंट था, लुक वाइज भी थोड़ा डिफरेंट होगी, तो इसलिए सोचा आप लोगों के साथ मैं अलग से अपने किचन से 5 किलो चिकन की रेसिपी में शेयर करूं। वीडियो बहुत ही फैंटेस्टिक है, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम लाते रहते हैं मुख्तलिफ किस्म की रेसिपी, वो भी पकवान सेंटर की। सबसे पहले हमने चूल्हे पे चढ़ा दी अपनी क्यूट सी देग, छोटी सी देग है ये। कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे इसमें 1 लीटर। जैसे ही ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म होगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, जो कि 3 किलो होंगे। टमाटर ऐड कर देंगे 3 किलो। 1 से 2 मिनट तक हम मिक्स कर लेंगे ऑयल में और टमाटर भी थोड़े से फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद हम ऐड कर देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, जो के हम वज़न होंगे, टोटल इसका वेट 375 ग्राम है यानी कि 1.5 पाव, और इन चीज़ों के जो वेट हैं वो 125 ग्राम यानी आधा आधा पाव हैं तीनों चीज़ें। 2 से 3 मिनट तक हम इसको भून लेंगे ऑयल में ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। जैसे ही बॉयल आना शुरू होगा तो फिर हम दही ऐड कर देंगे, आधा किलो दही ऐड करेंगे। हल्का सा मिक्स कर देंगे इसको, और अभी हम ऐड कर देंगे इसमें पानी, जो कि 1 लीटर के करीब है। कुछ पानी टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और कुछ हम यहाँ पे 1 लीटर ऐड कर रहे हैं, और मैक्सिमम इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे 30 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो गल जाएं। अब देख सकते हैं जैसे ही बॉयल आना शुरू हुआ तो हम इसको कवर कर देंगे 30 मिनट के लिए, और आग का फ्लेम हम बिल्कुल नीचे स्लो कर देंगे। बस थोड़ी सी आग चाहिए होगी हमको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 30 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, हमने कवर रिमूव कर दिया है। अभी हम लगाएंगे इसमें मसाले। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 30 ग्राम, कूटी हुई लाल मिर्च, दड़ा मिर्च भी कहते हैं, ये 40 ग्राम ऐड की है। नमक ऐड किया हमने 40 ग्राम, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और अभी हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको तेज़ आग पे इसकी बुनाई करनी है। जो पानी हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था वो, और जो पानी टमाटरों ने छोड़ा है वो पानी हमने बिल्कुल ड्राई करने हैं, ताकि हमारे टमाटर के गल जाएं। आग का फ्लेम आप देख सकते हैं हमने बढ़ा दिया है। फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं वैसे वक्तन फवक्तन आपके कमेंट्स का जवाब देता रहता हूँ। 5 किलो की रेसिपी थी आज, तो मून भाई ने बोला क्यों ना हम अपनी किचन की भी रेसिपी ताहिर भाई शेयर कर दें, तो मैंने कहा ठीक है मून, फिर कर देते हैं शेयर हम अपनी किचन की रेसिपी भी। इस तरह हमने बुनाई करनी है, आहिस्ता आहिस्ता हमारा ऑयल ऊपर आ रहा है, माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर भी आप देख सकते हैं कि चेंज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ापन भी आ रहा है, दानेदार किस्म की ग्रेवी बन रही है। अभी हम ऐड कर देंगे 5 से 6 स्टिकें दालचीनी की, और साथ ही साथ 10 से 12 अदद के करीब लौंग के दाने हैं ये भी ऐड कर देंगे। मैक्सिमम 8 से 10 मिनट तक हमने बुनाई की थी इसकी, उसके बाद ये ऐड किया है। अब मज़ीद इसको 4 से 5 मिनट तक हम भून लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह देख सकते हैं आप, कलर भी माशाल्लाह कितना प्यारा सा हो चुका है, दानेदार किस्म की ग्रेवी बन चुकी है, ऑयल भी हमारा ऊपर आ चुका है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे काम को अप्रिशिएट किया, कमेंट करते हैं आप, हमारे साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं, प्यार का इजहार करते हैं। टोबा टेक सिंह से हैं हमारे अर्दिल अजीज़ शबीर भाई और उनकी एहलिया हमारी बहन,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्तन फवक्तन हमको फ़ोन करके भी हमारी तबीयत और सेहत दरियाफ्त करती रहती हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह करीम आपको आबाद रखे। अयाज खान साहब, आपकी फरमाइश पूरी कर दी है जी, हमने चिकन कढ़ाई की 5 किलो की रेसिपी भी आप तक पहुंचा दी। इसी तरह हमने ये चिकन है, हम इसको अच्छी तरह से वाश कर लेंगे 2 से 3 मरतबा। चिकन को हमने फ्राई नहीं किया। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, कमेंट में भी आता है कि भाई आप चिकन को फ्राई नहीं करते। तो भाई मैं उन लोगों को ये बताऊं कि वो जो चिकन को फ्राई करने का जो तरीका होता है वो रेस्टोरेंट वगैरह पे होता है, जहाँ कस्टमर का पता नहीं होता कब भी आके आर्डर दे देता है वो। तो फिर इसलिए वो जो लोग होते हैं रेस्टोरेंट वाले, अपनी मजबूरी में जो है ना हाफ डन करके चिकन को रख देते हैं, ताकि बाद में इतना वेट ना करना पड़े। तो यहाँ ये पकवान सेंटर है, यहाँ तो आर्डर कोई देगा, हमें कोई लिखवाएगा तो जब भी उसका आर्डर पूरा किया जाएगा, तो इसलिए होता है ये सब कुछ। चिकन ऐड करने के बाद हम इसको 4 से 5 मिनट तक ये इसमें भून लेंगे ऑयल में। आप देख सकते हैं ऑयल है इसमें, मसाले तो हमारे भुन चुके हैं, तो ये चिकन यहीं पे जो है ना फ्राई होगा। चिकन ने ये देख लिया आपने, चिकन ने पानी छोड़ दिया है, चिकन ने कलर भी चेंज कर दिया। अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पे, बिल्कुल स्लो आंच पे दम कर देंगे। चिकन जो है वो वैसे भी बहुत नाजुक होता है थोड़ा सा, तो जल्दी गल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एग्जैक्ट हमने 15 से 16 मिनट के बाद हमने कवर रिमूव किया है, और आप देख सकते हैं चिकन जो है हमारा काफ़ी पानी छोड़ चुका है। अब हमने इस पानी को जो है ग्रेवी को हमने ड्राई कर लेना है। अभी तक आग का फ्लेम स्लो है, अभी हम आग का फ्लेम भी बढ़ाएंगे, क्योंकि चिकन का जब आपने पानी इसमें ग्रेवी का ड्राई करना हो तो हल्की आंच पे आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हल्की आंच पे चिकन बहुत पहले ही 15 मिनट दम पे था, फिर पानी ड्राई होते होते टाइम लग जाएगा, तो गलने में ज़्यादा ख़तरा होता है, जो चिकन के पीसेस हैं वो टूट जाते हैं। हमने यहाँ स्टेज पर 25 से 30 अदद के करीब हमने ग्रीन चिली ऐड कर दी है, और अभी हमने आप देख सकते हैं आग का जो फ्लेम है वो भी हमने हाई कर दी है। जितना हाई फ्लेम होगा उतना जल्द पानी ड्राई होगा और चिकन हमारा सेव रहेगा। अफजाल अब्बासी साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लांडी कायदाबाद कराची में आपने बिरयानी की शॉप खोली, इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर चक्कर लगाएंगे जी आपकी तरफ भी। जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से आप रख सकते हैं, एक्स्ट्रा जो पानी होगा वो आप ड्राई कर लें, जो आपको ग्रेवी चाहिए वो आप छोड़ दें इसमें। यहाँ इस स्टेज पे बिल्कुल भी जो कफगीर वगैरह है चमचा मारने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकन के पीसेज होते हैं नाजुक होते हैं, वो टूटने का उनका डर होता है, तो चमचा आप बिल्कुल भी यहाँ यूज़ ना करें दम के बाद। मून आराम से देख, बहुत क्यूट सी है, छोटी सी है यार, थोड़ा ख्याल कर। यहाँ देख सकते हैं आप, पानी बिल्कुल हमारा ड्राई हो चुका है, बस थिक किस्म की गाढ़ी किस्म की ग्रेवी बस बची है, और अब हम इंशाल्लाह ताला इसका फ्लेम जो है वो स्लो कर देंगे, नीचे बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे, ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। ये देखें, मैं दूर इसलिए गया ताकि आपको आग का फ्लेम जो है बेहतर तरीके से दिखा सकूं। देख सकते हैं आप, जो आग का जो आंच है वो बिल्कुल स्लो है। आ गया जनाब, आ गया मून भाई, आ गया माशाल्लाह। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ऑयल हमारा जो ऊपर है तरी की सूरत में बिल्कुल ऊपर आ चुका है, और एक गाढ़ी किस्म की ग्रेवी है। लुक भी माशाल्लाह कैसी गोल्डन किस्म की, सुनहरी किस्म की लुक आई है। काश के गूगल में कोई ज़रिया होता सूंघने का, तो आपको पता चलता कि वाकई में कोई चीज़ बनी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ये गरम मसाला कूटा हुआ जायफल जावित्री के साथ, और ये 2 टेबल स्पून के करीब है ये जो पाउडर है, ये काली मिर्च का पाउडर है, ये भी कूटा हुआ है, बेसिकली पाउडर नहीं है, हाथ का कूटा हुआ है काली मिर्च का पाउडर भी। गरम मसाला पाउडर तो हम अभी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे।
अभी हम आपको डिश आउट करके भी चेक कराते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, देख सकते हैं जी आप, एक गाढ़ी किस्म की ग्रेवी है। जो चिकन के पीसेस भी जो हैं वो नहीं टूटे हैं, बिल्कुल साबुत हैं, और ऊपर ऑयल की जो कोटिंग है तो इसलिए ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत किस्म की लुक आई है हमारी चिकन कढ़ाई में। अभी हम ये ऊपर जो है काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। बेसिकली चिकन कढ़ाई में सबसे ज़्यादा जो टेस्ट होता है वो काली मिर्च का पाउडर और टमाटर का टेस्ट होता है, तो कोशिश करें कि काली मिर्च जितना लास्ट में खाने आप बैठें, जब खाने पे सर्व करने लगें तो उस वक्त अगर आप इस पर स्प्रिंग कर दें या छिड़काव कर दें तो बेहतर रहेगा। इसी तरह अदरक धनिया इसकी भी बारीक कटा हुआ ये गार्निश कर देंगे इस तरह पूरी देख पे। काली मिर्च ही पा दें। अब हम इस पर ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। हाँ, सोटते मिक्स ना करी है। नहीं नहीं, अच्छा ये डाल दो प्लेट। हाँ, ये वापस। ये एक आर्डर था, 50 से 55 अफराद का खाना था, तो उन्होंने 8x8 की चिकन बिरयानी और साथ में 5 kg चिकन कढ़ाई बनवाई थी। 8x8 की चिकन बिरयानी मैक्सिमम 45% के लिए काफ़ी होती है, तो साथ में उन्होंने जो है ना 5 kg चिकन कढ़ाई भी रखवाई है। चिकन कढ़ाई 20 अफराद के लिए काफ़ी होती है, सर्व हो जाती है आसानी से। आगे ले जा आसान। होम डिलीवरी के लिए ये अभी रक्शे में खाना रखा जा रहा है। अली, तू भी नाली चला जा आसान दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।